अब ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा लिख रहा हूं मैं, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर इसके बाद 4s 3d, ये याद होना चाहिए सबको, ध्यान रखना 4p। और तरीका बहुत सिंपल है याद करने का, बुक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है, मैं वैसे नहीं बता रहा तुम्हें। देखो 2s, हर जगह तुम चेक करो ना एक बार, कि पहले क्या है 2s, फिर 2p, 3s, 3p, यही चल रहा है ना, s और p चल रहा है, फिर 4s, 4p, बीच में 3d, 5s, 5p, बीच में 4d, 6s, 6p, अब f भी आ जाएगा, f भी आ गया, 4f, 5d, तो उसको ऐसे याद कर लेना, नहीं तो बुक्स में ना ऐसे दे रखा है करके कुछ, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, ये ऐसे करके सीधा देते हैं। ये ऐसे करके करते हैं, ऐसे मत करना, तुम डायरेक्ट करना इसको, बुक्स में ऐसे दे रखा है, इससे मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर बार इसको डायरेक्ट याद कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, इसलिए हटा रहा हूं मैं इसको, डायरेक्ट याद कर लेना इसको। और वन, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे सर, एस में, 1s, हां 1s के अंदर, 1s में, हर एस में नहीं, 1s में आएगा, सिर्फ ध्यान रखना चीज का। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लो तुम्हें भरने हैं, से तुम्हें भरने हैं 36 इलेक्ट्रॉन्स, 36 भरने हैं, या तो पहले दो, एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो एस में एक, दो भरने हैं तो एस में दो, एस में ही आएंगे दो, तीन भरने हैं तो एस में नहीं आएंगे, क्योंकि एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तीन भरने हैं तो एक इसमें, फिर चार भरने हैं तो फिर इसमें दो, मान लो पांच भरने हैं तो एक इसमें आएगा, पांच हो रहे हैं, दो दो चार एक पांच, जैसे तुम के एल एम एन शेल भरते हो ऐसे ही यहाँ पे सब शेल भरने हैं। पी में मैक्सिमम कितने, पी में मैक्सिमम कितने आएंगे, छह, एस में मैक्सिमम कितने आएंगे, दो, E में मैक्सिमम कितने आएंगे, 6, S में मैक्सिमम 2, D में मैक्सिमम 10, P में मैक्सिमम 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, S आया तो 2 हमेशा, F आया 14, समझ गए कि नहीं, ये D में 10 और P में 2, ये भरे जाते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान रखना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है ये, S में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2 ही आएंगे, P में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 6 आएंगे, D में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 10 आएंगे और F में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 14 आएंगे, ऑर्बिटल्स इसके आधे। तो अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देंगे और नोट करते रहना साथ साथ, मैंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स, तो हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आएगा आंसर 1s1, ये आएगा। फिर मैंने बोला हीलियम, हीलियम क्या आएगा, तो तुम बोलो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो तुम बोलोगे 1s2। फिर मैंने बोला हाइड्रोजन हीलियम, फिर मैंने बोला लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो तुम बोलोगे 1s2 2s1, आ रहा समझ के नहीं है। फिर मैंने बोला बेरिलियम, और एक चीज और ध्यान रखना, लिथियम को मैं ये भी लिख सकता हूँ हीलियम 2s1, समझ आ गया कि नहीं, है हीलियम क्या है 1s2, तो इसको 1s2 को क्या लिख दिया मैंने, हीलियम, क्योंकि मान लो अगर एटॉमिक नंबर आया 118 और तुम्हें बोला इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो या 115, तो तुम सारा लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वो, इसलिए बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होती है वो हम इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस। तो इसलिए बेरिलियम क्या होगा, 1s2 2s2, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम में, तो दो 1s में और दो यहां पे, 1s2 2s2। और इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस क्या आएगा, हीलियम 2s2, हीलियम 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर बोरोन बोला मैंने अगर, तो क्या बोलोगे, 1s2 2s2 2p1 2p1, और इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस क्या आएगा, हीलियम 2s2 2p1 2p1। फिर मैंने बोला कार्बन, कार्बन में क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस क्या आएगा, हीलियम 2s2 2p2। टेंथ वाले किसी भी बच्चे को डाउट है इसमें, बस ये ध्यान रखना हमेशा कि S में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन, S में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन, दो, P में कितने, 6, D में कितने, 10, F में कितने, 14, ये इलेक्ट्रॉन याद रखना जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसी को देखते हो भरना सब कुछ। S में दो इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, मैं रब कर रहा हूँ उसको यहाँ से, तो ये समझ आ गया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, हाँ बोलो, पूछना किसी को कुछ। आप देखो फिर नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3, और इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस हीलियम 2s2 2p3। अब मैंने बोला यहाँ पे से नियोन, नियोन क्या होगा, 10 होता है एटम नंबर इसका, 10 यानी 2 इधर 2 इधर 6 इधर, तो 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, और इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस तो हीलियम 2s2 2p6, हालांकि नियोन भी नोबल गैस है लेकिन इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस बोलते हैं तो एक ऊपर वाली ले लेंगे। अब अगर मैंने यहीं पे बोल दिया सोडियम, तो सोडियम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, पूरा लिखना तुम लोगों को, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, और नॉर्मल और नियॉन 3s1, समझ आएगा कि नहीं, नियॉन 3s1, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस क्या आएगा, नियॉन 3s1। एक बार चेक कर लो टेंथ वाले बच्चे, किसी को भी कोई डाउट हो तो। टेंथ वाले किसी भी बच्चे को कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर अभी कोई डाउट नहीं। समझ आ गया ना, एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में, यही सेम चीज यूज करनी है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इजी चीज थी। मैं इसी पेज पे लिख रहा हूँ दोबारा, इसी पेज पे दोबारा लिख रहा हूँ ये, चलो एक बार यहाँ तक लिखा रहने देते हैं, नेक्स्ट नोट करते हैं आगे। अब अगर मैंने दिया यही भरना है तो मैं ध्यान रखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आगे 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, ये सब चलता रहेगा। अब अगर मैंने दिया तो मैं ध्यान रखना, अब दिया मैंने आर्गन, आर्गन तो क्या आएगा, आर्गन होता है 18 18, यानी इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, 10 हो गए, इसमें 2, 12, इसमें 6, 18, यानी 3p6 तक जाएगा, 3p6 तक जाएगा ये, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो है ही नोबल गैस, और इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस फिर भी बोल दिया तुम्हें लिखने को, तो तुम ये बोलोगे नियॉन, और नियॉन 3s2 3p6, नियॉन 3s2 3p6। अब मैंने दिया तुम्हें से वैनेडियम, अच्छा एक चीज ढांकना, ये चीज ढांकना हमेशा, मैंने तुम्हें डी पे डी को स्टेबल कब बताया था, डी कब स्टेबल था सर, 5 पे और 10 पे स्टेबल था, 5 और 10, 5 पे हाफ फिल्ड है, हाँ 5 पे और 10 पे, ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं कभी भी, डी 5 स्टेबल है हाफ फिल्ड है क्योंकि ये हाफ फिल्ड, और डी 10 स्टेबल है क्योंकि फुल फिल्ड है, तो इसीलिए कभी भी डी 4 आता है तो डी 4 को डी 5 बना देना, डी 9 आता है तो उसको डी 10 बना देना, कैसे, ऊपर वाले शेल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, ये मत भूलना बिल्कुल, क्यों, ताकि स्टेबल हो जाए कंफिगरेशन, डी 4 आएगा डी 5 बना देना, डी 9 आएगा डी 10, ऐसे ही एफ में करते हैं, पी में नहीं करते ऐसा, किसमें करते हैं, डी और एफ में। अब नोट करेंगे, अब मैंने तुम्हें दिया से वेनेडियम, वेनेडियम क्या होगा, तो वेनेडियम के लिए 23 होता है ये एटॉमिक नंबर, वेनेडियम इज 23, तो कितना आएगा, देखो 2 2 2 4 4 और 6 इसमें 10, 10 और 2 इसमें 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, और इसमें कितने आ जाएंगे 3, 3d3 तक जाएगा ये, कहां तक जाएगा 3d3 तक, ध्यान देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 4s2 3d3, ये आ गया। इसको लिखना अगर इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल गैस तो लिखेंगे आर्गन, आर्गन है ना ये 3p6 तक क्या है आर्गन, देखो इधर ये आर्गन है, तो 3p6 के बाद क्या बचा, 4s2 3d3। अच्छा अगर मैं इसमें बोलता हूँ, ध्यान देना, अगर मैंने इसमें बोला वेनेडियम 3 प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो क्या बोलोगे, सर 4s2 हटा देंगे और 3d2 हो जाएगा, मुकुल तेरे को नहीं बोलना, ओके सर ओके सर, वेनेडियम 3 प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो हमेशा लास्ट शेल से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालने हैं तो कहां से निकलेंगे, लास्ट शेल से, लास्ट शेल कौन सा है, थर्ड शेल है कि फोर्थ शेल है,
डालेंगे हमेशा एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, निकलेगा तो लास्ट शेल से निकलेगा। लास्ट शेल कौन सा है? फोर्थ की थर्ड। तो अगर वैनेडियम थ्री प्लस बोला तो ये आएगा आर्गन, तीन इलेक्ट्रॉन निकालने बाहर, थ्री प्लस मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो पहले दो निकलेंगे एस से, एक निकलेगा डी से, तो आंसर आएगा आर्गन 3d2। ये आंसर आएगा। नहीं समझ आई बात? नो सर। मुस्कान नहीं समझ आया? नहीं सर। देखो तुम ये करते हो ना, जैसे मैं बोलता सोडियम प्लस की कंसंट्रेशन क्या है या सोडियम की क्या है, तो तुम बोलते हो 281। मैंने बोला सोडियम प्लस तो तुम लिखते हो ना 28, लिखते हो 28 की नहीं? सोडियम प्लस कैसे बनता है? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके। यस सर। आयनाइज हो गया ना ये, अभी समझ आ गई बात कि नहीं है? तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना, निकलेगा कहां से? हमेशा लास्ट शेल से। लास्ट शेल कौन सा है? फोर वाला है कि थ्री वाला है? फोर्थ शेल है ना, ये फोर लिखा हुआ है, ये फोर्थ शेल या थ्री शेल? कहां से निकलेगा, कहां से इलेक्ट्रॉन? हमेशा फोर्थ शेल से। गर्व समझ आया कि नहीं तेरे को? गर्व विद्यांशु सर, तो डायरेक्ट लास्ट वाले जो 3d3 है उसमें से 3 नहीं डाल सकते? ये लास्ट शेल तो है ही नहीं ना, ये 3 है ना एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या है इसमें? 3 नहीं है? yes, ये लास्ट शेल नहीं है, ये लास्ट शेल कौन सा है? फोर्थ शेल। नहीं समझी बात? अभी सर। तो लास्ट शेल कौन सा है? फोर्थ शेल, ये वाला, यहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन एक। हाँ ये फोर्थ शेल है, सही ना? अब जैसे मैंने बोला एक बार से निकल के कंफ्यूजन लिखेंगे, निकल या वैनेडियम का क्रोमियम लिख रहे हैं, अभी समझ आ गया इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? यस सर। कहां से? हमेशा लास्ट शेल से। अच्छा चलो एक तुम हां एक लास्ट शेल से एक तुम ट्राई करो। एस टू माइनस की कंफ्यूजन क्या होगी? एस टू माइनस एस टू माइनस ये सर आर्गन की इक्वल हो जाएगी। हाँ अब दो इलेक्ट्रॉन डालने हैं इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें डालने हैं ना। सल्फर क्या होता है? 1s2 16 है ये, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 यही है ना 16। s में 2, फिर s में 2 4, इसमें 6 10, 10 इसमें 2 12, 12 और 4 16, तो 3p 4 आया। अगर नोबेल yes, एक्सिडेंट उसमें बोला है तो नियॉन 3s2 3p 4 नियॉन 3s2 3p 4। अब मैंने बोला s2 माइनस, दो इलेक्ट्रॉन डालने हैं, वो कहाँ डालेंगे? ये तो लास्ट शेल इसका 3p ही है, तो 3p में डल जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? आर्गन आ जाएगा। माइनस कर दो, दो इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ये आ गया s2 माइनस। नहीं समझ आया अभी? देखो चेक करो समझ आया कि नहीं है। गर्व विद्यांशु समझ आया तेरे को? यस सर आ गया। गर्व आवाज नहीं आ रही क्या? सर वो है ही नहीं। सर टीम ही नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा चलो सही, अभी क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ गया यहाँ तक कैसे करना कंफिगरेशन? अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट वाली कंफिगरेशन बता रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट कंफिगरेशन है अगली। अब अगर मैं बोलता हूँ क्रोमियम, ध्यान देंगे क्रोमियम? सर मैं बताऊं, अगर पढ़ रखी है तो नहीं बोलना बिल्कुल भी। क्रोमियम, क्रोमियम 24। अच्छा बोल अर्नव, बोल। सर आर्गन 4s3d5, आर्गन 4s3d5। हाँ एक बार ध्यान देंगे, क्रोमियम 24 है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इसमें, चार, चार और छह 10, 10 और दो 12, 12 और छह 18, 18 और दो 20, 20 और चार 24, ये आना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये आना चाहिए। अभी मैंने तुम्हें बताया ऊपर कि अगर d4 कभी भी आएगा तो क्या बनाना है उसको, d5। इसलिए
4s का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और d में डाल देंगे, 4s का इलेक्ट्रॉन लेंगे और कहाँ डाल देंगे, d में, 4s 1 कर देंगे और 3d 5, ये पता होना चाहिए, 4s 1 3d 5, क्या आएगा 4s 1 3d 5, सही ना, 4s 1 3d 5, समझ आ गया कि नहीं है? और yes, sir. आर्गन के टर्म्स में, ये आर्गन है इतना पूरा, 4s 1 3d 5 पूरा आर्गन है, आर्गन 4s 1 3d 5, ऐसे ही अगर मैं कॉपर पूछता हूं तो क्या आएगा, कॉपर 29 होता है तो 1s 4s 1 3d 10, हां 2p6 3s2 3p6 3p6 4s 2 3d9 आना चाहिए, 3d9 तक आना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 आना चाहिए था, अब d9 आया तो d9 को क्या कर देते हैं हम हमेशा, d9 को क्या करते हैं d10, इसलिए s का इलेक्ट्रॉन लेंगे एक और उसको कहां डाल देंगे, d में, 4s1 3, ये दो स्पेशल केसेस हैं, ये याद रखना जरूर, ये दो स्पेशल केसेस याद रखना है, क्रोमियम कॉपर, मतलब 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे जो ओलंपियाड्स होंगे या फिर 10th लेवल के जो एनटीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये तुम्हें कंसंट्रेशन सीख लिया है, आयन की भी कंसंट्रेशन यहीं से सीख लोगे, आयन की क्या कंसंट्रेशन है वो भी निकल जाएगी तुम्हारी, किसी को कोई डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन में, अब किसी को कोई भी डाउट, अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा, मान लो तुमसे क्वेश्चन आया कि आयरन के अंदर कितने, आयरन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन देगा आंसर इसका, आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने पहले पूछा था फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, ये इसको हम ये भी लिखते हैं आर्गन, आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 4 अर्नब ने बोला है, यस सर अर्नब ने बोला है ना, चलो यस, अच्छा और कोई, और कोई किसी को आंसर करना हो तो, चलो 11 सारे बच्चे भी बता सकते हैं सर, 8 चलो 2, अच्छा अर्नब तू बता 2 किसने बोला है, विधि, चलो सही, अर्नब तू बता 4 कैसे है सर, 4p2 आ रहा था सर आखिर में, तो सर उस हिसाब से निकालना था, 4p2 तो आता ही नहीं आयरन के अंदर, नहीं सर एक मिनट सर, 4p3 आएगा शायद सर, 4p3 आएगा, कितने सर, 4p3 आएगा, 4p3 आएगा, कंसंट्रेशन बोलो एक बार आयरन की सर, आयरन की सर आर्गन के टर्म्स में या वैसे, कैसे भी बोल दे, कैसे भी सर, आर्गन 4s2 3d4 4p3, गलत बोल रहा हूं तू, आर्गन 4s2 3d6 आएगा, ओ यस सर, सर मैंने गलती से डी के अंदर 4 छोड़ दिए, हां डी के अंदर पूरे आएंगे ना इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d6, हां अब बोला कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सर, चलो इलेवंथ वालों में से सबने बोल दिया आंसर, एक का ही सही है सिर्फ, आंसर एक ने आंसर सही दिया है, आंसर इसका है 2, विधि ने बोला शायद सही, विधि तुमने बोला था, यस सर, हाँ क्यों है बताओ जरा सर, वो लास्ट शेल 4 वाला है तो उसमें 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ बस 4s2 है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछता हूँ क्रोमियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10th वाले बच्चे बताएंगे क्रोमियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 4s1 है ना, तो एक, कॉपर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, 1 अभी समझ, अब समझ आ गया कि नहीं है, अभी समझ आ गया कि नहीं, चलो एक और ट्राई करेंगे, एटॉम नंबर 36 है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
सर जीरो जीरो चलो सही आगे सर जीरो ठीक है अभी बता रहा हूँ और भी कोई ट्राई करना तो सर जीरो ही आएगा जीरो यस सर जीरो ध्यान देंगे पहली बात तो 36 एटोमर मींस क्रिप्टन है क्रिप्टन है सर क्रिप्टन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 अभी कोई बताएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है हम बोल क्यों तुम अभी सीख ही पा रहे हो उस मतलब सर क्रिप्टन तो नोबल गैस हो गया ना नोबल क्या नोबल गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे सर सम्यक सर 8 सम्यक वो 8 आएगा सर फोर्थ शेल ये रहा फोर्थ शेल ये रहा कितने होंगे अभी समझ आया कि नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस अर्णव सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बोल क्या कंफ्यूजन सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं नियॉन में पूछता हूं तो तू बोले नियॉन में कितने वैलेंस है अच्छा ये बता नियॉन में कितने वैलेंस है सर इस हिसाब से तो सर 80 आने चाहिए 80 आएंगे ना वैलेंस तो नहीं मैंने तुझसे वैलेंस वो थोड़ी पूछा कितने बॉन्ड बनाएगा कितनी वैलेंसी है वो सब थोड़ी पूछ रहा हूं मैं तुझसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं सिंपली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्लियर हुआ हो गया सर हां तो ये ध्यान रखना अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन गल आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालते हैं हां वो इन टर्म्स ऑफ जो तुमने पढ़ा था वो मतलब 20 तक डाउन नंबर के लिए सही है फिर आगे जाकर दिक्कत आ जाएगी तुम्हें उसमें तो इसलिए इसमें ये वाली कंफिगरेशन इसलिए आनी चाहिए वाली है ना ये वाली कंफिगरेशन इसलिए आनी चाहिए तो ये हमने क्या सीख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इन टर्म्स ऑफ शेल्स सब शेल्स ऑर्बिटल्स शेल्स सब शेल्स ऑर्बिटल्स ये हमने सीख लिया इसके अंदर अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इसको या फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा सा ना बैलेंसिंग का पार्ट है ये भी 9th क्लास में सीखते हैं जैसे अगर मैंने तुमसे बोला NH3 प्लस O2 gives NO plus H2O इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ तो कैसे करोगे बैलेंस करो जल्दी से इसको जितने रिएक्टेंट में एटम्स हैं जितने प्रोडक्ट में एटम है वो बैलेंस होने चाहिए बैलेंस करो फास्ट इसको सर हो गई मुस्कान ने क्या यस सर बोलो मुस्कान सर 2NH3 प्लस 5/2 O2 गिव्स अस 2NO प्लस 3H2O बहुत अच्छा मुस्कान यही आंसर आएगा इसका कैसे किया मुस्कान बोलो सर वहाँ तो NO तो इक्वल है लेकिन H2 और रिएक्टेंट साइड में 3 है प्रोडक्ट साइड में 2 है तो पहले H2 पे आगे 3 लगाया है और रिएक्टेंट साइड में NH3 पे आगे 2 लगाया है उसके बाद ये NO बिल्कुल सही है हां बिल्कुल अगर मान लो इसको चलो एक एक चीज और अगर मान लो इसको बैलेंस करना है P4 प्लस KOH
plus H2O gives PS3 plus NaH2 या KH2PO2. इसको बैलेंस करना है अगर. देखो कभी कोई अगर नहीं कर पाएगा तो इस तरह से कुछ हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं ऐसे. ये सबके लिए वैलिड नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने मान लिया इधर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ए बी सी डी मान लिया इसको. अब यहाँ पे एन कितने हैं, ए. इधर एन कितने हैं, रिएक्टेंट में एन कितने हैं, ए. प्रोडक्ट में एन कितने हैं, सी. तो ए जो टू सी हो गया. अब एच कितने हैं रिएक्टेंट में, तीन है और ए, थ्री ए. और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2D. ये समझ आया, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में एटम बैलेंस करते रहो बस. तीसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, ओ के लिए ओ कितने हैं, 2B. और प्रोडक्ट में कितने हैं, C+D. एक बार चेक करना जो मैंने क्वेश्चन लिखी, समझ आ गया क्या? ये सबने किया होगा, 8th 9th में करते हैं ये चीजें. ये समझ आ गया मैंने क्या लिखा है इधर? यस सर. अब इसमें एक को लेट कर लेना, लेट ए इज इक्वल टू 1. एक को लेट करेंगे सारी वैल्यू निकल जानी चाहिए. मैक्सिमम केसेस में निकल जाती है, कई केसेस में नहीं निकलती, तो तुम्हें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा. लेट ए इक्वल टू 1, तो सी क्या आ जाएगा, 1. ए को 1 किया तो सी 1 आ जाएगा कि नहीं? बोलो, किसी भी एक को मान लेना, कोई भी टर्म जिससे तुम्हारी दूसरी वैल्यू निकल जाए. और ए को 1 किया तो डी भी आ गया 3/2. डी आ गया 3/2, सी आ गया 1, तो बी आ गया 5/4. चेक कर लेने पर बस ये वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर. हो गया बैलेंस कि नहीं? कभी नहीं हो रहा हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन बननी चाहिए प्रॉपर, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होता कई केसेस में. ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, ई मान लिया. इसको भी ऐसे करेंगे. अब 4A इक्वेशन बोलेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी? अर्नम बोल पहले एक नाम से इक्वेशन फास्फोरस को. 4A इज इक्वल टू, सिर्फ 4A इज इक्वल टू डी. नहीं, डी प्लस ई. देख एक बार ढंग से. हां सर, डी प्लस ई. आगे के को देख, के को सर बी इज इक्वल टू ई. हां सर, बी इज इक्वल, बी प्लस सी इज इक्वल टू ई. B plus C is equal to 2E. देखे एक बार. हाँ, 2E. आ रहा समझ के नहीं है? उसके बाद सर B plus 2C is equal to 3D plus 2E. 3D, हाँ. H को बैलेंस किया ना ये? यस सर. हाँ, और कोई रह गया? यही चार है इक्वेशन? Yes, चार ही है ना. P है, K है, O है, H है. पी के ओ एच थे तो चार इक्वेशन बनेंगी, उनको बैलेंस करेंगे जब. तो अब इसमें किसको मान लेंगे सर? ई को मान लेंगे. हाँ, ई को मान लेंगे 1. लेट ई इज इक्वल टू 1. 1 लिया तो बी क्या हो गया, 1. ई को 1 लिया तो बी भी 1 हो गया. उसके बाद ये क्या इसमें पुट कर देंगे सर? सी भी 1. सी भी 1 आ गया. देखो, E को 1 किया और B को 1 किया तो C भी 1 आ गया. C 1 आ गया. अब E भी 1 और A नहीं निकला भी. अब ये इसमें से क्या निकल जाएगा? E आ गया है, B आ गया है, C. D भी 1 आ गया है. सर 1/3. एक बार चेक कर लेना, 1/3. और अब उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे ऊपर, तो उससे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा. उससे A आ जाएगा कि नहीं? यस सर. ए भी 1/3. ए भी 1/3 आ रहा है. यस सर. सर 4A इज इक्वल टू प्लस 1/3 आ जाएगा ना. 1/3. चलो इसको सॉल्व कर लेना. तुम समझ आ गया कैसे करना क्वेश्चन? यानी पूरी क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो आ जाएगा ना P4 प्लस 3KOH प्लस 3H2O, ऐसे आ जाएगा पूरी क्वेश्चन में.
कुछ गलत ना किया हो चेक कर लेने एक बार, तरीका समझ आ गया कैसे करना है, बैलेंसिंग का कुछ तरीका पता लग गया कि नहीं? यस सर। इसमें सारे रिएक्टेंट्स सारे प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए तुम्हें, तो ही अप्लाई करना है इसको। और कई बार नहीं होता बैलेंस, क्योंकि कई बार इक्वेशन थोड़ी टफ बन जाती है, तो बैलेंस करना तुम्हें हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। एक तरीका है बैलेंस करने का, रफ में करना कभी स्कूल में अगर आ जाता, अगर नहीं होता तुमसे तो। अच्छा अब एक चीज, मैंने यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिखा दी है, इन सारी कॉन्फिगरेशन को अगर तुमने 10-10 टाइम्स 21-30 वाली नहीं लिख के देखी तो फिर यूज नहीं होगा और थोड़े दिन में भूल जाओगे। जितना हो सके मन में रोज बोलना है इसको एक बार, 21-30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। मैं तुम्हें थोड़े से बेसिक्स इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो तुम्हें बेसिक्स ना बताने पड़ेंगे। अभी अगला टॉपिक मैं बता दूंगा, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उससे अगला बता दूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से, वीक एसिड्स कौन से हैं, इस टाइप से। फिर थोड़ा सा बैलेंसिंग सिखाऊंगा। तो ये सीखने के बाद ना तुम जब करोगे चैप्टर को तो तुम्हें इजी लगेगा। स्कूल लेवल पे तुमने किया हुआ है, मैं हल्का सा प्लस लेवल लूंगा इसमें, तो अगर मैं करा पाया तो मैं पूरा कोर्स, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिल जाएगा 11th क्लास के लिए। तो कंसंट्रेशन जरूर सीख लेना ढंग से, जो मैंने कंसंट्रेशन सिखाई है ये सीख लोगे, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम। अच्छा अब एक चीज, ऑर्गेनिक की क्लास की प्रैक्टिस तुम लोगों ने की है कि नहीं की है? यस सर की है। यस सर सबने की है। मैं 10th वाले बच्चों से पूछ रहा हूं। यस सर। यस सर। हाँ एक तो मुस्कान ने की है, अर्णव का आ गया, हाँ और सबने? नहीं तुम फिर पता, मैं आज वाली क्लास में और एंट्री दूंगा तुम लोगों को, 10th वाले बच्चों को, वही 8 बजे क्लास होगी ऑर्गेनिक की, आज उसमें और एंट्री दूंगा, आज मतलब सैटरडे और कल संडे, संडे शायद ही हो पाए क्योंकि आज ही क्लास में तुम्हारा लगभग तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा। 4 फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे कोर्स में है, एल्कोहल्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो थोड़ा बहुत अगर एस्टर कभी आ जाता तो होगा, तो आज और कल वाली क्लास में एंट्री होगी, फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक का काम हो जाएगा खत्म। तो इसलिए अगर तुम लोग कर लोगे अच्छे से इसमें तो तुम्हें ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आनी, लेकिन रोज ट्राई करना, रोज कम से कम एक बार तो जितनी नेमिंग में करा रहा हूँ वो जरूर लिख के देखना, नहीं तो थोड़े दिन में भूल जाओगे। अर्णव प्रैक्टिस की थी इसकी ऑर्गेनिक की, आईयूपीएससी नेमिंग की? यस सर की थी। अब समझ आया था घर में दोबारा करने के बाद कि अब भी समझ नहीं आ रहा बिल्कुल? सर आ रहा है अब, कर पा रहा हूँ। हाँ तो इसको, हाँ इसको दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आएगा थोड़ा सा। अभी दो आज की बात है और सैटरडे और संडे कल, उसका तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ये, फिर तुम्हें नहीं करना ये काम ऑर्गेनिक वाला। इनका तो चलेगा मोर देन 100 आवर्स चलेगा ऑर्गेनिक इनका, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा किसने पहले पढ़ रखा था ऑर्गेनिक की जो है आईयूपीएससी नेमिंग? सर 11th वाले, 10th वाले से आप पूछ रहे हो? हाँ 10th वालों से, 10th वालों। अब चलो जो भी है, क्लास स्टार्ट जब होगी तुम पहले से पढ़ के रखना सारा ढंग से, पढ़ के नहीं रखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सर अभी रिजॉइन करना? नहीं अभी नहीं करना, अब तुम्हारी क्लास वही रात को 8 बजे क्लास।